हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर गोवा ट्रिप। अभी हमें बीच साइड हॉस्टल में, हम रात को बहुत लेट ही हो गए थे, अराउंड 11 बज गए थे हमें पहुँचते, तो आते ही सो गए। तो ये सुबह का नज़ारा है यहाँ पे। मैं आपको बीच साइड हॉस्टल का पूरा ओवरव्यू करवाता हूँ। और अभी हम, दिस इज़ द एंट्रेंस बेसिकली, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। और अंदर मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि कहाँ हम रुकने वाले हैं और रुके हुए हैं। और ये गाइस जो इसकी लोकेशन है, ये पड़ता है अंजुना बीच के बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो। सो गाइस, आज हमारा पहला दिन है और हम निकल रहे हैं अगवाड़ा फोर्ट की तरफ। सुबह के 11 बज रहे हैं और हम अब लेने वाले हैं स्कूटी रेंट पे। मैं रेडी हूँ निकलने के लिए और वेट है बस स्कूटी का। इज इट फॉर द सीट ओपन द हेलमेट ओके इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर फॉर द सीट ओपन व्हिच हाउ कैन यू सी हियर हियर ओके सीट ओपन ओके या तो गाइस स्कूटी रेडी है हमारी। बहुत ही प्यारा कलर है स्कूटी का। इट्स अ न्यू बाइक फॉर या आई कैन सी दैट इट्स रियली नाइस ओके। हेलो गाइस, सो हमने अभी स्कूटी ले ली है। तो स्कूटी का रेंट 400 रुपये है और अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। तो हम पेट्रोल डलवा के निकल चुके हैं। और जब भी आप गोवा आओ तो आप पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाना, क्योंकि शॉप पे 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है और यही अगर आप पेट्रोल पंप से डलवाओगे तो आपको 104 रुपये लीटर मिलेगा। अब हमें लगी है बहुत ज़ोर से भूख और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई अच्छा सा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, जहाँ हमें कुछ अच्छा सा लाइक परांठे टाइप्स या कुछ इस टाइप का खाना मिल जाए। तो हमें अब मिल चुका है रेस्टोरेंट। यहाँ पे आने से पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी फूड ही मिलता होगा, बट यहाँ पे परांठा एंड नॉर्थ इंडियन फूड, हर टाइप की डिशेस आपको मिल जाएंगी। जितने हमारे परांठे रेडी हो रहे हैं, उतनी देर क्यों ना घर पे कॉल कर ली जाए। आपकी वीडियो बन रही है, सही फूड बनाओ। फिर आप पता आज खावांगे पंजाबी परांठे। परांठे बहुत ही टेस्टी थे। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं अगवाड़ा फोर्ट की तरफ, जो कि बीच साइड से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। 16 और 20 के बीच बीच में है और हमें अराउंड लगेगा यहाँ से आधा घंटा। यहाँ से हम रास्ता भटक गए थे, फाइनली ये बोर्ड दिखा हमें। गोवा में यार इस टाइम पे आने का भी अपना ही मज़ा है, ना कोई भीड़ है इस टाइम, ना ही ट्रैफिक नॉर्थ गोवा में, मतलब ये साउथ की फील देता है इस टाइम पे तो गोवा में आना। बस अब पहुँचते हैं फटाफट अगवाड़ा फोर्ट और देखते हैं क्या ऐसा वहाँ जो इतना फेमस है गोवा में। सो फाइनली पहुंच गए हैं हम फोर्ट और स्कूटी लगा दी है पार्किंग में। अब इसको यहाँ से ख़रीदनी है टोपी, क्योंकि धूप सच में ही बहुत है आज। लेके चलते हैं आपको फोर्ट के अंदर। चलते हैं अब अंदर। और भीड़ यहाँ पे लग तो काफ़ी रही है,
और यहाँ से आई थिंक हमें जाना होगा पहले यहाँ की टिकट्स खरीदने। इस बोर्ड पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं पढ़ते हैं क्या यहाँ की प्राइसिंग है। तो यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है कि इन फॉरनर्स के लिए तो काफ़ी है, लेकिन हमारे लिए 25 रुपये, तो 25 रुपये की टिकट है। सो गाइस फाइनली हमने ले लिया टिकट्स और हम अभी एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टिकट चेक करवानी होगी। ज़्यादा ही भीड़ है तो हम ढूंढ रहे हैं एक जगह जहाँ पे रुक के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। एक फ़ोटो शूट का बना हुआ है तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं। मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा थक गया। तो अभी जाके यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ करेंगे। सो दिखाता हूँ लोग कैसे यहाँ पे खड़े हैं और फ़ोटोज़ कर रहे हैं। अगोडा किला जो है वो गोवा के एक हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। ये किला जो है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक लाइट हाउस है और इसके आसपास बिल्कुल समुद्र ही समुद्र है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था 1609 में और 1612 में ये कंप्लीट हुआ था। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी यूरोप से जहाज आते थे तो वो सब यहाँ पे रुकते थे, क्योंकि इस किले में फ्रेश वाटर वो स्टोर किया जाता था और वो सब जहाज यहाँ पे अपना पानी भरने के लिए रुकते थे। सो गाइस ये था अपर अगवाड़ा फोर्ट, जो मेन अगवाड़ा फोर्ट था ये था, और अब हम जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बीच के पास में एक और लोअर अगवाड़ा फोर्ट। So guys, now on the way to Lower Aguada Fort, which is very near to Singrum Beach. यहाँ से अराउंड यार हुआ 5-6 मिनट का रास्ता स्कूटी पे या कार पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैप में इतना सही रास्ता है ये। इसकी टाइमिंग हमने चेक की थी नेट पे, तो ये दिखा रहे थे कि सुबह 9:30 बजे खुलता है ये और शाम को 6 बजे बंद होता है। तो देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा होगा। तो अराउंड 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं और स्कूटी हमने पार्क कर दी है। ये है रास्ता फोर्ट का, अब चलते हैं और देखते हैं ये कैसा होगा। एंटर करते ही इसे दिख गए हैं हेयर स्ट्रिंग्स और आ गए हैं पसंद। ये आपको मिलेंगे अराउंड 150 रुपीज़ पर थ्रेड आफ्टर बार्गेनिंग। बाकी जगहों पर ये आपको और भी सस्ता मिल सकता है। ये वाला भी बीच सही था, छोटू था बट मज़ेदार था। तो एज़ पर द प्लान आज हमें एक बीच व्यू भी जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि कैंडलम बीच रास्ते में ही पड़ेगा, क्यों ना वो घूम लिया जाए। तो अब हम जा रहे हैं कैंडलम बीच। अब हम कैंडलम बीच की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। तो गैस यहाँ पे जो पार्किंग है ऑलमोस्ट हर जगह 50 रुपये ही है, फॉर द इंफॉर्मेशन। गाड़ी लगा के चलते हैं बीच व्यू में। अब
फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बीच व्यू पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये गोवा में सबसे लंबे बीचेस में से एक बीच है और सबसे पीसफुल बीच है यहाँ का नॉर्थ गोवा में। इसका रीज़न ये है कि यार आसपास यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, होटल्स नहीं हैं, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम रहती है। इसकी हिस्ट्री में ये भी है कि फाउंडर ऑफ हिप्नोटिज्म एबे फेरिया का बर्थ भी यहीं पे हुआ था और इसी जगह से गोवा के लोगों ने पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी। एनीवेज अब आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। बहुत ही अमेजिंग डे रहा आज हमारा, पहला दिन था और इतनी जगह घूम लिया हमने। अब लगी है भूख, तो इस दिन का और इस ब्लॉग का एंड करते हैं किसी अच्छी सी जगह खाना खा के। तो ढूंढते हैं कोई प्यारा सा रेस्टोरेंट। तो हमने ढूंढ लिया है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट और हम यहाँ खाना खा के निकलेंगे फिर वापस। रेस्टोरेंट तो बढ़िया लग रहा है, बाकी खाना देखते हैं कैसा होगा। सारा मेन्यू देखने के बाद हमने ऑर्डर किया है लेमन राइस और इडली वड़ा। हम अभी खाना खा के बिल्कुल अब फ्रेश हो चुके हैं। हमें बहुत ही भूख लग रही थी, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम यहाँ रुके कैफे, आपने देखा खाना कैसे इन्होंने सर्व करा, आपने देखा। तो अब हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं, अब हम जाएंगे वापस होटल एंड उसके बाद विल प्लान फॉर अ पार्टी टुनाइट फॉर माय बर्थडे। ये था हमारा डे वन गोवा का, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो मस्ट है। Thank you.